नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने चैनल ओनली जेके गवर्नमेंट जॉब स्टूडेंट पॉइंट में। आज की वीडियो में बात करेंगे संजमा आर्मी रैली भर्ती के बारे में। आपको बता दें कि काफ़ी बच्चों के मन में कन्फ्यूजन है, ग्रुप कितने का दौड़ रहा है, कितने कैंडिडेट्स पकड़े जा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे एक दूसरे से उल्टा सीधा सुन के अपना कॉन्फिडेंस लूज़ करते हैं। आपको बता दें कि रैली आप लोगों की स्टार्ट हो गई है 15 फरवरी से और ये लगभग काफ़ी देर तक चलने वाली है। इसमें कम कैंडिडेट्स ही बुलाए जा रहे हैं इस रैली में, यानी कि इस बार ज़्यादा रश नहीं देखने को मिल रहा है। प्राप्त तरीके से COVID-19 के इंस्ट्रक्शन के तहत ये रिक्रूटमेंट कंडक्ट कराई जा रही है जोरावर स्टेडियम संजवा में। सबसे रैली का जो कन्फ्यूज़न है वो बोल रहे हैं कि टाइम कितना मिल रहा है। ग्रुप की बात करें तो ये ग्रुप रिपेयर हो गए हैं, यानी कि रनिंग में रह चुके हैं। उन्हीं कैंडिडेट से पता चला है कि लगभग 75 का ग्रुप दौड़ रहा है, जिसमें आप लोगों को बता दें कि कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि 8 पकड़े जा रहे हैं, कुछ 12, कुछ 15, कुछ 18, कुछ 29, कुछ 35। आपको बता दें कि उसमें आपको 75 में से कम 15 के आसपास, 15 और कोई कोई ग्रुप ऐसे हैं जिसमें लगभग 28 से 29 कैंडिडेट्स भी पकड़े गए हैं। आप अपना कॉन्फिडेंस लूज़ करने की कोशिश ना करें। आपको बता दें कि इंडियन आर्मी का रूल एंड रेगुलेशन के तहत भर्ती कंडक्ट होती है। कुछ बच्चे यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं कि हमें 5-15 टाइमिंग दी जा रहा है। आपको बता दें कि किसी भी कैंडिडेट्स के पास कोई भी ऑफिशियल इनपुट नहीं है कि वहाँ पे टाइम 15-5-15 दिया जा रहा है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इंटर नहीं किया जा रहा, फिर टाइम कहाँ पे नोट किया जा रहा है कि 5-15 दिया जा रहा है। आपको बता दें कि जहाँ पर CCTV फुटेज के तहत रिक्रूटमेंट कंडक्ट होती है, जहाँ इंडियन आर्मी को सेंटर से यानी कि हेडक्वार्टर की तरफ से इंस्ट्रक्शन मिली होती है कि इंडियन आर्मी का टाइम 5:45 ही दिया जाता है। काफ़ी कैंडिडेट्स रिपेयर होने के बाद ही ये इस तरह की बात कहते हैं कि टाइम कम दिया गया। और जो कैंडिडेट रिपेयर हो जाते हैं उन्हें भी अपना कॉन्फिडेंस लूज करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप लोगों की पहली भर्ती है या तो आपकी लास्ट भर्ती है, आप लोग दोबारा तैयारी कर सकते हैं। अगर आप इंडियन आर्मी की रिक्रूटमेंट नहीं पास कर पा रहे, फिर भी आप लोग अपनी पैरामिलिट्री फोर्सेज की रनिंग की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि आपको बता दें कि अभी जम्मू कश्मीर में ओपन रैली काफ़ी होने वाली है, BSF, CSF, ITBP वगैरह में। उसमें भी सेम ही प्रोसेस है। SSC GD के फॉर्म 29 को लगने वाले हैं मार्च को, तो आप लोग उन एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। आपको बता दें कि सभी कैंडिडेट्स तो नहीं लग पाएंगे, बट जो जिन जिन कैंडिडेट्स के पास अच्छी क्षमता है, जिनकी अच्छी रनिंग है, जिनका घर में 5:40 के आसपास आ रहा है, वही कैंडिडेट्स रनिंग पास कर रहे हैं। पहले आपको बता दें कि कुछ बच्चों के मन में जो कन्फ्यूज़न बना था ग्राउंड को लेकर, कि ग्राउंड 1800 है, 1900 है, अगर 1800-1900 ग्राउंड है तो 75 में 20 से 25 कैंडिडेट्स कैसे आए। दोस्तों, इसलिए आपको बता दें कि आपको कभी भी अपना कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना है, जहाँ पर पूरा टाइम दिया जा रहा है। और आपको बता दें कि अभी जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं कोई भी बाहर नहीं आया है, जो फिट हो गए कैंडिडेट्स हैं इवनिंग को वो ही पूरा टाइम बताएंगे। बट ये 5:15 में आपको बता दें कि एक्सीलेंट वाला कैंडिडेट पहुंचता है, उसके बाद एक्सीलेंट में कम से कम 4 से 5 कैंडिडेट पहुँचते हैं, उसके बाद सेकेंड ग्रुप में काफ़ी बच्चे आते हैं GD के। इसलिए आप लोग डरे ना, बिल्कुल 5:45 टाइम दिया जा रहा है, हमारे पास ये ऑफिशियल इनपुट पहुँचे हैं। इसलिए आप लोग अपने प्रॉपर तरीके से तैयारी रखें। डॉक्यूमेंट्स वहीं पूरे जो हमने पहले बताए हैं वहीं लग रहे हैं। C2 ग्रेड वाला सिस्टम आपका प्रॉपर तरीके से वहां पे चल रहा है। ऑल द बेस्ट। कोई और अपडेट्स हमारे पहुंची तो ज़रूर बताएंगे। इवनिंग को लाइव सेशन जुड़ेंगे और सिलेक्टेड कैंडिडेट से भी बात करने की कोशिश करेंगे। ऑल द बेस्ट।